हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये क्यों लॉन्च करी गई, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं और ये हम यानी माता पिता और बच्चों के जीवन पे कैसे प्रभाव डालेगी, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो क्या है, क्यों है, मुख्य बिंदु क्या है, आइए सबको जानते हैं। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको बेहतर करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रयास है, एक एफर्ट है। अब इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है एक पैनल ने, जिसके चेयरमैन थे श्री कस्तूरी रंगन, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पूर्व चेयरमैन भी हैं। ऑब्वियसली इसमें जिसने किरदार निभाया है वो गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT भी है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि वाई नाउ, क्यों इस पॉलिसी को लाने की जरूरत क्या है। पॉइंट नंबर वन, हमें अपने बच्चों को 21st century स्किल्स देनी है। जमाना, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के साथ हमें भी कदम से कदम मिला के चलना है, इसलिए नए एज की जो स्किल्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर लिटरेसी बोल लें, चाहे वो कोडिंग बोल लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स बोल लीजिए, चाहे नई सोच बोल लीजिए, उन स्किल्स को बच्चों को देना इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। पॉइंट नंबर टू, जो हमारी कंट्री में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कितने बच्चे स्कूली सिस्टम में हैं और कितने बच्चे इससे बाहर हैं, इस रेशियो को बेहतर करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे एनरोल रहे स्कूली एजुकेशन में, इसके लिए भी, इस रेशियो को बेहतर करने के लिए भी एक एफर्ट है। पॉइंट नंबर थ्री, हमें बच्चों को उनकी काबिलियत एक्सप्लोर करने के नए नए मौके देने हैं। वो अपना टैलेंट, एबिलिटी, अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि कैसे बाहर लाएं, उसको मौका देने के लिए भी इस पॉलिसी को बनाया गया है। पॉइंट नंबर फोर, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, कि जो सोशली और इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, यानी जो पिछड़ा वर्ग है, उसको मौका कैसे दें, उसको एजुकेशन से फायदा उठाने के लिए किस तरह से सपोर्ट करें, वो भी इस पॉलिसी का एक अहम बिंदु है। और पांचवा पॉइंट, हमें अपने देश को बेहतर करना है, देश को आगे बढ़ाना है, ताकतवर बनाना है, इसके लिए एजुकेशन एक बहुत अच्छा जरिया है। तो एजुकेशन को यूज करके देश का विकास हो, देश की तरक्की हो, इसीलिए भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। तो मैंने आपके साथ पांच बिंदु शेयर किए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों। अब आगे चलते हैं, इतना हमने समझ लिया, तो अब इस पॉलिसी के हम 10 मुख्य बिंदु देखेंगे और इन बिंदुओं में मैंने जो स्कूली पढ़ाई है, स्कूली शिक्षा है, उसको कवर करने का प्रयास किया है। तो 10 बिंदु कौन से हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, अभी तक जो एजुकेशन में सिस्टम था वो 10+2 था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। वो बदलाव है 5+3+3+4, यानी अब पहले के जो फाउंडेशन पीरियड है जिसको बोला गया है, पहले 5 साल फाउंडेशन को माना गया है, यानी 3 साल से लेकर 8 साल तक की उम्र को एक फाउंडेशन पीरियड माना गया है। उसके बाद 3 साल क्लास 3rd से लेकर 5th तक इस 3 साल के ब्रैकेट को रखा गया है। इसके बाद 3 साल के ब्रैकेट को और रखा गया है 6th, 7th, 8th मिडिल स्कूल, और फिर 9th से 12th के लिए 4 साल रखे गए हैं सीनियर स्कूल। तो 5+3+3+4 इस तरह से बंटवार की गई है। तो पहले 10+2 था, इसमें इस चेंज को, इस बदलाव को लाया गया है। यह सबसे पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर टू, इस व्यवस्था में बच्चों का लोड कम करने की कोशिश की गई है, कि बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा लोड है, प्रेशर है, कि वो अपनी प्रतिभा को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, वो ढूंढ ही नहीं पाते कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, बस जो बुक्स पहले से दे दी गई हैं उसी को पढ़ते रहते थे। तो क्या हम लोड कम करके बच्चे और परिवार को मौका दे सकते हैं कि वो अपना टैलेंट ढूंढे, उसी दिशा में एक प्रयास है कि बच्चों को कम लोड देना और उन्हें अपनी टैलेंट एबिलिटी को बाहर लाने का मौका देना, जिससे आता है पॉइंट नंबर थ्री, बच्चे के कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, बच्चे कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बच्चे कुछ काम करके देखना चाहते हैं कि मेरी रुचि और काम मैच होता है कि नहीं। इसको करने के लिए इंटर्नशिप्स का प्रोविजन रखा गया है,
क्लास सिक्स से बच्चे ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, जहां उनको इंटरेस्ट है, काम कर सकते हैं। वो काम करके चेक कर सकते हैं कि ये फील्ड उनकी रुचि का है कि नहीं, उसमें काम करके अपने हाथ से उनको मजा आ रहा है कि नहीं। और इस तरह से जब बच्चे इंटर्नशिप्स को चेज करेंगे, वहां काम करेंगे, तो उन्हें अपने आगे आने वाले जो फील्ड हैं, करियर हैं, चॉइसेस हैं, उसके बारे में नॉलेज मिलेगी। और नॉलेज हमें एम्पावर करती है सही कदम उठाने के लिए। पॉइंट नंबर 4, इसके साथ ही वोकेशनल स्टडीज का भी प्रोविजन रखा गया है। हम वोकेशन यानी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की स्किल्स प्राप्त कर सकते हैं स्कूलिंग सिस्टम में। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, मुझे कुछ फील्ड अच्छे लगते हैं, मुझे कारपेंटरी अच्छी लगती है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना अच्छा लगता है, मुझे हाथ से कुछ बनाना क्रिएट करना अच्छा लगता है, मुझे डिजाइन करना अच्छा लगता है, तो उस वोकेशन के लिए भी प्रोविजन है कि कुछ दिन होंगे बैगलेस डेज, यानी बिना बैग के हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम वोकेशन पे काम करेंगे। अब देखिए कि वोकेशन और इंटर्नशिप का कितना अच्छा मैच है। आप अपनी स्किल को परसू कर रहे हैं, स्किल बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद कंपनीज में इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी तरह से ये इंटीग्रेटेड है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग का भी प्रोविजन रखा गया है। स्कूल में टेस्टिंग के लिए जो फिलॉसफी रखी है इस पॉलिसी में, वो ये है कि आपके कोर कॉन्सेप्ट्स, आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी सिस्टमैटिक तरीके से स्टैंडर्डाइज करी जाएगी। यानी जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका जो एनरोलमेंट है वो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से होगा, ताकि कैसे एग्जीक्यूट करना है इस पॉलिसी को, इसके लिए एक समान लेवल रहे सबका। तो टीचरों की जो ट्रेनिंग है, उनका जो एक टाइम पीरियड है, उनका एनरोलमेंट है, ये सब भी स्टैंडर्ड होगा इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। फिर इस पॉलिसी का छठा पॉइंट है कि जितना लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल करें उतना बेहतर है। तो तीन में से कम दो लैंग्वेज हमारे देश भारत की होनी चाहिए। यह क्लास फिफ्थ तक कर रखा है, और इसका प्रोत्साहन दिया गया है कि कम से कम कक्षा आठ तक कोशिश करें कि अगर लोकल लैंग्वेजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके। इससे क्या होगा कि हमारे जो राज्यों की, हमारे देश की जो संस्कृति है, परंपरा है, धरोहर है, उसी में शिक्षा को भी लाने का प्रयास किया गया है। यानी शिक्षा हमारे कल्चर से कट ऑफ नहीं है। हम दूसरे देशों की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आजकल के ज़माने, इंटरनेट और कई और चीज़ों पर निर्भर है, लेकिन हम शिक्षा को अपनी संस्कृति कल्चर से अलग ना करें, इसीलिए लोकल लैंग्वेजेस के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है क्लास फाइव तक, और उसके बाद क्लास फाइव से आगे क्लास एट तक भी इसको प्रोत्साहित किया गया है। ये था पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, बच्चों की जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इनको अलग अलग ट्रीट नहीं किया गया है, इसमें डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। एजुकेशन को एक तरह से रखा गया है कि बच्चा पिक एंड चूज कर सकता है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हम कभी खाने जाते हैं तो कभी बोलते हैं बर्गर में ऐसे, हमें बर्गर चाहिए, पैटी ये चाहिए, सॉस ये चाहिए, फ्राइज ये चाहिए। उसी तरह कॉम्बो आप पढ़ाई में भी बना सकते हैं। आपको मैथ्स पढ़नी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आप उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। तो करिकुलम आपको मौके देता है कि आप पिक करें, चूज करें, और अपने पसंद के सब्जेक्ट में पढ़ाई करें, अच्छा करें, और अपना करियर आगे बनाएं जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है। पॉइंट नंबर 8, अगला जो पॉइंट है उसे फोकस किया गया है कि टेस्टिंग कैसे हो बोर्ड एग्जाम्स की। तो सबसे पहले क्लास 2, 5, 8 में टेस्ट होंगे, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम है वो 10th और 12th के ही रहेंगे, और उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर्स होंगे। आपके कोर कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। आपके डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स है, उनकी कितनी है, इसको टेस्ट किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा बदलाव है जो अभी व्यवस्था है उसमें। पॉइंट नंबर 9, जो इस एजुकेशन पॉलिसी का जो नवा पॉइंट है, वो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि बच्चे अलग अलग सर्टिफिकेशंस, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ले सकें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, या दूसरे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कहीं और, हम अपनी स्किल, अपनी प्रतिभा को बाहर लाएं, इसके लिए प्रोविजंस हैं, ताकि बच्चे एनकरेज हों उसको करने के लिए। मैंने अलग अलग पॉइंट से इसको कवर किया, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि हम
अपनी जो रियल काबिलियत है, जो रियल इंटरेस्ट है, उसको ढूंढें और सिर्फ रटने में टाइम स्पेंड ना करें। और दसवां पॉइंट जो है वो है कि टेस्टिंग एजेंसी का स्टैंडर्डाइजेशन हो। परख रिकमेंड किया गया है कि प्रैक्टिकल असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए किस तरह से हम बच्चे का परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, उसका रिव्यू करें, उसकी टेस्टिंग करें और कैसे जाने कि जो हमने तरीका बनाया था वो कारगर है कि नहीं है, क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग हो, तरीके हो और हम लगातार रिव्यू करते रहे कि इसमें क्या बेहतर करना है, क्या छोड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो पॉइंट्स जो मेरी नज़र में काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, समय के बदलाव को ध्यान में रखे गए हैं और इन 10 बातों से मैंने मोटे रूप से इस पॉलिसी को जो स्कूली बच्चों के लिए लागू होती है संक्षेप में कवर किया है। अब मैं आपको 3 पॉइंट्स दूंगा कि माता पिता के तौर पर हम किस तरह से इस पॉलिसी को देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमें बहुत जल्दी ये ढूंढना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट सच्चा है किसी फील्ड में तो वो वहाँ जाके उन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है, उसकी पढ़ाई कर सकता है, उसमें नॉलेज एक्वायर कर सकता है। दूसरा, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है उसको फॉलोअप करने के लिए हमें भी घर में उसको एक सपोर्टिंग सिस्टम देना पड़ेगा। स्कूलिंग सिस्टम में तो है, लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट को चाहे वोकेशनली चाहे इंटर्नशिप के तौर पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, घर में भी हम अपनी तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं, तो बच्चे के जो प्रयास हैं उस पर बहुत ज़्यादा उसको बल मिलेगा और वो आगे जाएगा। तो ये सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, माता पिता को भी इसमें साथ देना चाहिए और साथ देंगे तो बच्चा बहुत आगे जाएगा। और पॉइंट नंबर 3, मेरे हिसाब से जो कई प्रेस्टीजियस कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो टेस्ट होते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रास्ते से चाहे परसेंटेज के रास्ते से, अब चूंकि ये पॉलिसी में बच्चे का टैलेंट बन रहा है पहले से, तो शायद कई बच्चों को जो इस कॉम्पिटेटिव रूट से नहीं जाना चाहते वो स्किल बेस्ड एप्लीकेशंस दे पाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करने के लिए, चाहे वो कंपनीज हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्राइवेट कंपनीज हो, स्टार्टअप्स हो। मुझे कुछ आता है तो मैं उस स्किल को दिखा सकता हूँ और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ। हो सकता है उद्यमशीलता भी आ जाए, एंटरप्रेन्योरशिप, बच्चों की स्किल है, काबिलियत है, तो उन्हें ये काबिलियत दिखा के कुछ नया स्टार्ट करने का भी मौका मिलेगा और हौसला भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनको एज को फाउंडर्स मिल सकते हैं, साथी मिल सकते हैं, टीममेट्स मिल सकते हैं। तो आई थिंक देश की जो जॉब क्रिएशन है, जॉब ग्रोथ है, उसमें भी ये पॉलिसी अहम भूमिका निभाएगी। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इसमें कई जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ने सेंट्रल एजेंसीज प्लस स्टेट्स को भी साथ में लाने का प्रयास किया है। माता पिता के तौर पे हमें क्या करना है ये मैंने आपके साथ शेयर किया और इस पॉलिसी के बारे में आपको सोचना चाहिए, आपको अपने बच्चे के भविष्य की प्लानिंग में थोड़ा सा समय देना चाहिए। देंगे तो बेहतर होगा, आपका बच्चा बेहतर होगा तो समाज बेहतर होगा, देश बेहतर होगा। इस पॉलिसी के बारे में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ हैं तो विचार कमेंट्स में शेयर करिए। आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग देम। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।